राशि वालों के लिए मासिक भविष्य जुलाई का महीना कैसा रहेगा, गोचर ग्रहों के अनुसार मैं आपको दर्शा रहा हूँ। कुंभ राशि वालों को इस सप्ताह, इस महीने का जो गोचर है वो किस प्रकार का रहेगा, जुलाई मास का। पूरे संपूर्ण जुलाई मास में आपके राहु पांचवें स्थान पर चलेंगे। जब पांचम भाव में राहु चलेंगे तो क्या क्या फायदा, क्या लाभ होता है वो दर्शा रहे हैं। एक तो राहु पंचम में होने से क्या होगा कुंभ राशि वालों के लिए, संतान से संबंधित विवाद हो जाए, उनको कष्ट हो जाए, या किसी प्रकार अचानक कुछ चोट चपेट लग जाए, उससे सावधान रहना है। भाग्य के विकास में बना हुआ कोई खेल बिगड़ सकता है। लाभ मार्ग में जो अच्छी प्रशस्ति मिल रही थी, लाभ मिलने वाला था, वो अचानक रुक सकता है जुलाई के मास में। कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा ये दुखद समाचार दिख रहा है। तथा पंचम भाव में गुरुदेव भी चल रहे हैं, उनकी स्थिति भी यही रहेगी, क्योंकि राहु जहां भाग को बिगाड़ रहा है वहीं पर गुरुदेव सुधार कर रहे हैं। भक्ति साधना आराधना, भक्ति भाव पूजन भजन, इनमें अच्छा मन लगेगा। बड़े भाई जो है तो उनका पूरा पूरा भरपूर सहयोग मिलेगा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा, और आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा सुदृढ़ और सुंदर रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति एकदम सजग रहेंगे। ये कार्य है गुरु और शनि आपको राहु करा रहे हैं, साथ में सूर्य भी आपके पंचम भाव में है, तो आपके उदर विकार से थोड़ा सावधान रहना है, ऊष्मा बढ़ सकती है पेट में। इस लेकिन 15 तारीख तक का ये है, 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद में क्या होना है, 15 जुलाई के बाद में आपका जो है जो सूर्य अभी पंचम चल रहे हैं, उसके बाद में ये सूर्य बदल जाएंगे, कर्क राशि में पहुंच जाएंगे, छठवें सूर्य हो जाएंगे। छठवें सूर्य होने पर क्या होगा, रोग शत्रु नष्ट होंगे, गवर्नमेंट से संबंधित अधिकारियों से विवाद करना, कोर्ट कचहरी कर सकते हैं, उलझेंगे आप सरकारी लोगों से, ये विवाद हो सकता है, और साथ में व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। व्यापार में किसी प्रकार की हानि नहीं होगी, व्यापार वृद्धि अच्छी होगी, जो व्यवसायी लोग हैं उनके लाभान्वित होने का समय भी है। और कुंभ राशि वालों के लिए शनि बारहवां है, यानी 7.5 शनि है, उनको संभल के चलना है, सिर में चोट चपेट लग जाना या कोई ऐसे सिर में चक्कर आने की बीमारी हो जाए, अथवा कोई ऐसे समाचार जो हमेशा आपको टेंशन बढ़ाने वाले समाचार मिलते रहे, इस प्रकार का भी हो। अपव्यय होगा, धन हानि ज़्यादा होगी, पैसा टिकेगा नहीं, पैसा हाथ में रहेगा ही नहीं, और दूसरों का पैसा देना है, आए थे उसको देने के लिए वो दूसरे मद में खर्च हो गया और परेशान हो गया, विवाद का कारण बन जाएगा। इस प्रकार से बाद में शनि आपको ये करा रहे हैं, धन में परिवार में कुटुंब में आपको विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है, धन कुटुंब में विवाद होगा, धन में जो जमावट की है वो धन जमा हुआ धन खर्च हो जाएगा, और शत्रुओं का विनाश होगा, विकास रे विनाश होगा, शत्रु हंता योग बना रहा है। शत्रु हंता योग बनाने के साथ साथ में आपके कर्म क्षेत्र में भी थोड़ी हानि करेंगे, जो कर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनको कर्म क्षेत्र से छुड़ा दिया जाए, वो अथवा जो है सो आप जो है सो स्वयं छोड़ दें, कुछ ना कुछ कर्म क्षेत्र से आपको मुक्ति मिलने का समय भी है। इस प्रकार से शनिदेव करा रहे हैं, और मंगल देव जी आपकी कुंभ राशि से दूसरे राशि पर चल रहे हैं, आपको थोड़ा वचनों पर वाणी पर संयम रखना है, पर उस वचन यानी कठोर वचन बोलने का आप संभल करके चलें, क्योंकि उससे विवाद की स्थिति, आप जो भी बोलेंगे उसमें विवाद होगा, इससे वाणी के ऊपर संयम रखें, दाहिनी आँख को बचाए रखें, कुछ कष्ट हो सकता है धानी आँख से संबंधित, और जो है सो आपको स्वास्थ्य वगैरह सब ठीक रहेगा। इस प्रकार से आपके कुंभ राशि वालों के लिए ये ग्रह इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ कुंभ राशि वालों को पूरा महीना बहुत मंगलमय बीते, इन्हीं मंगल कामनाओं के हर समस्या का समाधान वो भी घर बैठे बैठे।
हम करेंगे आपकी हर समस्या का समाधान। लव प्रॉब्लम हो या ब्रेकअप प्रॉब्लम, इंटरकास्ट मैरिज प्रॉब्लम हो या मनाना चाहते हैं अपने घर परिवार को, डाइवोर्स प्रॉब्लम हो या पाना चाहते हैं अपना खोया हुआ प्यार, वशीकरण ब्लैक मैजिक या हो आपका प्यार किसी के वश में और पाना चाहते हैं आप उसे वापस, या पाना चाहते हैं छुटकारा अपनी सौतन से, इन सब समस्याओं का समाधान है हमारे पास। आइए संपर्क कीजिए ज्योतिष ज्ञानी विशाल शर्मा जी से। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारा यूट्यूब चैनल ज्योतिष ज्ञानी और संपर्क करें। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7828912229। धन्यवाद।